अरे टीम इंडिया के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? ए टीम इंडिया। ओके गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम ब्लूप्रिंट। आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले WC3 और वर्ल्ड कप। अब लास्ट कुछ बाकी की वीडियोस में तुम लोग को याद होगा कि हम लोग बैक टू बैक मैचेस जीतते चले आ रहे हैं एंड रियलिटी में भी टीम इंडिया अनस्टॉपेबल बन चुकी है। बैक टू बैक मैचेस वो जीतती चली आ रही है, लेकिन अब है टाइम रिवेंज का। लास्ट वर्ल्ड कप जो 2019 में हुआ था, उसमें तुम लोग को याद होगा कि न्यूजीलैंड ने हमें बाहर किया था उस वर्ल्ड कप से सेमीफाइनल्स के अंदर। और आज हमारे पास बहुत बड़ा मौका है उसका रिवेंज लेने का, उसका बदला लेने का। तो लेट्स गो, चलते हैं रिवेंज लेते हैं फटाफट से। जो लोग नए हो, सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दो। 7K की बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं हम लोग, तो 7K हिट करते हैं। उसके बाद और भी बड़े बड़े माइलस्टोन्स हैं। इस वीडियो पे एम करते हैं 120 लाइक्स के लिए। 120 लाइक्स आई होप तुम लोग हमेशा की तरह बहुत जल्दी कंप्लीट करा दोगे। बाकी लेट्स गो। कोच, एक और जीत के लिए बधाई। आप अपनी टीम का अब तक का प्रदर्शन का मूल्यांकन कैसे करते हैं? धन्यवाद, ये हमारी टीम का प्रभावशाली प्रदर्शन रहा है। हम सभी विभागों में उच्च मानक स्थापित कर रहे हैं। कोच, इस जीत ने आपको मजबूत स्थिति मिला दिया है। आप बाकी मैचों में अपनी संभावनाओं को कैसे देखते हैं? हमें अभी भी लंबा रास्ता तय करना है और हमारे खिलाड़ी तैयार हैं। बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बेशक हमारी संभावनाएं काफी उज्जवल दिख रही हैं। आपकी उपस्थिति और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता नहीं, कोई जरूरत नहीं कि मैच धर्मशाला में होने वाला है, चेन्नई में नहीं। मुझे पता है इन लोगों ने नशे कर रखे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई इस चीज़ में। इन्होंने जो वेन्यू दिया उसमें तो हम खेलना पड़ेगा। लेट्स गो। टीम इंडिया यार चेज करते हुए काफ़ी ज़्यादा मैचेस जीती, तो हम लोग चेज करने की ट्राई करेंगे। ओके, फर्स्ट बॉल एंड पहली बॉल में न्यूजीलैंड ने अपना खाता खोल लिया। डायरेक्ट थ्रो है, ओके, दो रन के लिए भागेंगे भी नहीं। मीडियम ग्राउंड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। बॉलर को ना स्विंग अपने मेन रनअप से ही मिलती। ओके, ये डायरेक्ट होने वाली है और लेट्स गो। यस यस भाई, सेकंड ही बॉल पे हमें विकेट मिल गई है और पहला ओवर था ये। सीरियसली, पहले ओवर में इतना ज्यादा रन भागने के चक्कर में कौन जाता है भाई, वो भी पावर प्ले में। ओके, इसी के साथ हमें पहली ओवर में ही पहली विकेट मिल चुकी है। अब थोड़ा सा और हम लोग इनको प्रेशर में ला सकते हैं, ये लोग और कुछ गलत शॉट्स खेलें एंड हमें विकेट का मौका मिले फिलहाल। ओके हाँ, और फुल स्लीव जर्सी मिल रही थी तो वो ले ली हमने। ओके, काफ़ी सही जा रहा है अभी तक तो। ओवर दो ही रन दिए हैं एंड एक विकेट आ चुकी है और लेट्स गो ब्रो, एक और विकेट भाई। फुटबॉल चल रहा है क्या? स्कोर क्या है ये? एंड यस सेलिब्रेशन भाई, सेल्फी सेलिब्रेशन ब्रो। दो विकेट आ चुकी हैं पहली ओवर में, पहली सिराज के खाते में। और ओके, हम लोग आउटस्विंग पे ही फोकस कर रहे हैं, जब से आउटस्विंग ही डाल रहा हूँ। ओ भाई भाई, ये कट नहीं लगा था क्या? यार मेरी ना WC3 वालों से एक रिक्वेस्ट है कि ये लोग को ना अपील का ऑप्शन देना चाहिए, लाइक हम खुद अपील कर सकें। ओ यार, जस्ट मिस्ड। अब पता है इन लोग के ऊपर प्रेशर बन चुका है ना, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जल्दी से जल्दी हम लोग को विकेट गिरा लेनी चाहिए, अपने मेन बॉलर्स को लगाना चाहिए। मेन बॉलर की बात हो और वहाँ पे बुमराह ना आए, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लेट्स गो, इट्स बुमराह टाइम। और देखो, हमने सिराज से आउटस्विंग कराई थी, केन विलियमसन आए हैं, ये पहली बॉल खेलेंगे अपनी। इनसे इनस्विंग कराते, बाहर से अंदर ले जाते ऑफ स्टंप से, बिल्कुल मिडिल स्टंप पे। ओके, एंड मुझे पता है केन विलियमसन काफ़ी शांत स्वभाव का बैट्समैन है, तो इतनी जल्दी तो शॉट्स पे जाएगा नहीं। गेम प्लान है उस पे चलेंगे। ये गड़बड़ को भी नहीं यार, मेरे को वहाँ पे एक फील्डर चेंज करना पड़ेगा। मुझे पता है केन विलियमसन काफ़ी शांत स्वभाव का बैट्समैन है, तो इतनी जल्दी तो शॉट्स पे जाएगा नहीं। फिलहाल ये एक और ये कैच हो जाएगा, लेट्स गो भाई, एक और विकेट। 10 रन पे 3 विकेट खो चुके हैं ये लोग, क्या हो रहा है ये? ये यार केन विलियमसन से ये उम्मीद नहीं थी मेरे को। शेल्डन कॉटरल वाला सेलिब्रेशन क्यों करते भाई, ये मेरे को कतई पसंद नहीं। एक बाउंसर का स्वाद चखाया जाए जरा, ये कैच हो सकता है।
बिल्कुल होगा भाई, न्यूजीलैंड से ये इतनी उम्मीद नहीं थी मेरे को, ये क्या हो रहा है, रिवेंज लेना होता है ऐसे नहीं, लेकिन हेलो। और मेरे को ये नहीं पता इनके अंदर क्या चुल मची हो रही है यार, ए हेलो, मेरे को ऑप्शन ही नहीं दिया इन्होंने। भैया पकड़ लेना, हाँ थैंक यू, जिस हिसाब से लग रहा था चौका जाती, हल्का हल्का लग तो रहा है कि ये लोग सेट हो चुके हैं, बट अभी भी हम लोग आगे डालेंगे। और नहीं भाई छः, मेरे को नहीं हटाना चाहिए था बुमराह को। कैच, ये कैच है प्लीज, यस फाइनली भाई फाइनली, एक सेट बैट्समैन को आउट कर दिया हमने डैरिल मिचेल को, सेलिब्रेशन बनता है मैन। यार पागल कर दिया था भाई इसने, 30 बॉल में 59 मार दिए थे, क्या विकेट गिरी है, ये आधी टीम खत्म हो चुकी, प्रेशर होगा। एक और, लेट्स गो भाई, जरा सा ना मैं सहम सा गया था जब वो बिल्कुल ग्रीन पे रुका ना, एग्जैक्ट बॉर्डर पे, मेरे को लगा छूट जाएगी। एक और विकेट हमारे हाथ, पावर प्ले का लास्ट ओवर है, जसप्रीत ने भाई 2 ओवर में 42 रन खा लिए हैं, सिलसिला जारी है भाई। मेरे को वहाँ पे एक फील्डर लगाना चाहिए, एक काम करें क्या यार, मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ पे फील्डर की नीड है। देखो बुमराह ऐसा होता नहीं कि इतना ज़्यादा पिट जाए, माँ कसम इतने हरामी है ना ये लोग यार, वहाँ अभी फील्डर हटाया मैंने, वहाँ पे 6 मार दिया। यॉर्कर की कोशिश है, कस विकेट मिलने वाला है, लेट्स गो भाई लेट्स गो। पहली बॉल पे मोहम्मद शामी ने विकेट निकाल लिए और इसी के साथ न्यूजीलैंड ऑल आउट मैन। अरे अरे इमरान ताहिर नहीं हो आप, शमी भैया कंट्रोल, यहीं पे रहो मैदान पे रहो। दिस वाज द इजीएस्ट विकेट ब्रो, फाइनल विकेट, और इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम खत्म ब्रो, दिस इज अ रिवेंज कॉल्ड। अब हमको पता क्या करना है, 139 का टारगेट है 50 ओवर्स में, तो एटलीस्ट हमें 15 या फिर 20 ओवर तक ही मैच फिनिश कर देना है, हमारा रन रेट बहुत ज़्यादा ब्रो जॉड लेवल बूस्ट हो जाएगा। सो ये काफ़ी अच्छा भी है, एंड एक बार ज़रा देखना, बुमराह ने 4 ओवर में 78 रन दिए एंड 3 विकेट निकाली, इसको तो धो दिया भाई, फीलिंग सो सैड फॉर हिम। अब मैच पता जल्दी फिनिश करना, तो ईशान किशन, एंड ईशान किशन पता तुम लोग को लास्ट मैच का हीरो, तब से मेरे दिल में ना उसके लिए जगह बन गई ब्रो। ओके डैरिल मिचेल पे अपना पहला ओवर लेकर आते हुए, काफ़ी अच्छी गेंद, बट उसी के साथ हमने एक रन लेके खाता खोल लिया, एंड अब चाहिए हमें 138 रन 300 बॉल्स में, यार 10 out of 10 विकेट्स जीतेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ओ व्हाट अ शॉट यार, शुभमन गिल का पहली बॉल में मारा उसने और 4 रन भाई, व्हाट अ गैप ना, क्या गैप निकाला, मज़ा आ गया। And it's a no ball also. मतलब वो एक मीमनी अभी चल रही है, इफ दिस हैड अ फेस, तो यहाँ पे पता है वो लॉजिक लगता है, इफ गरीबी में आटा गीला हैड अ फेस, मतलब रन्स तुम्हारे पास है नहीं, नो बॉल तुमको देनी है। एंड इसी के साथ फ्री हिट पे चौका, तो 2 गेंदे 8 रन आ चुके हैं, एंड अगर देखा जाए तो एक बॉल में 9 रन दे दिया इसने डैरिल मिचेल ने, इसको किसने दिया भाई, और उससे अच्छा तुम ट्रेंट बोल्ट को दे देते, वो ट्राई करता विकेट निकालने की। अच्छा रचिन रविंद्र ने ये ओवर काफ़ी अच्छा निकाल दिया, ओ यार ये कैसा शॉट था, एक्चुअली ये क्लियर विकेट है, मैं DRS नहीं लूँगा, क्लियर विकेट है यार, कोई फ़ायदा ही नहीं है। मिचेल स्नैंटनर आए हैं गेंदबाजी के लिए, एंड रोहित शर्मा ने पहली बॉल के लिए पहली बॉल पे चौका शुभमन गिल वाला, बट शुभमन गिल की तरह आउट नहीं होना चाहिए, पीछे बहुत बड़ा गैप है, आई होप सो ये खतरनाक बॉल ना डाले। ओके चतुराई भरा शॉट, 2 के लिए भागूंगा शायद बॉल रुक जाए, नहीं रुकेगी, 4 रन मिल जाएंगे ईजी ब्रो, 2 गेंदे 2 चौके। ओ नो पागल है भाई, नहीं ये मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ये लग रहा है कि मिस करेगी लेग स्टंप, यार ये कवर ड्राइव खेली मैंने, बॉल पता नहीं कितना टर्न हुई कि आके सीधा पैड पे लग गई। छी यार हमने दूसरी विकेट भी खो दी, एंड जैसा कि मैंने बोला था शुभमन गिल की तरह आउट नहीं होना चाहिए, उसी की तरह आउट हो गया LBW यार। किंग कोहली टाइम भाई, 11 मैचेस में 975 रन्स,
ज़्यादा देर तक शांत नहीं रह जाता भाई। पहला छक्का इस इनिंग का, इस वाले इनिंग का, इंडिया जब बैटिंग करी ना उस इनिंग का, न्यूजीलैंड ने तो भाई कितने मारे मैं गिन भी नहीं सकता। किंग कोहली फॉर द फर्स्ट बॉल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और अच्छा शॉट और चार रन मिलेंगे शायद, या खाता इन्होंने भी चार रन के साथ खोला। विराट कोहली भी आपसे रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप वो सीन मत करना ना, नॉट आउट जाना। एंटनर सही में काफ़ी अच्छा बॉलर है, मैं इतने शॉट्स का ट्राई किया, फाइनली लग गया यार, पता तीन परफेक्ट टाइमिंग लगी है इस ओवर में एंड तीनों डॉट बॉल गई है, एक पे दो रन आए एंड फाइनली छः लग पाया हमारा। अब 66 रन चाहिए, अब आई थिंक सो कि मैच जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए हमें ना। ये देखो ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, बट हाँ अभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं थी, वो बात अलग है। 100 रन भी पूरे टीम इंडिया के, और स्विंग थोड़ी सी स्विंग भी बॉल, बट हाँ पावर प्ले ख़त्म हो चुका है, फील्ड भी खुल चुकी है, अब इनर सर्कल से डरने की जरूरत नहीं है। बैक टू बैक तीन चौके एंड इसी के साथ या ईशान किशन की 50 भी पूरी, पहली 50 अपनी इस मैच में, और ये परफेक्ट रिवेंज होगा भाई। ये मैच स्टार्टिंग से अपने ही हाथ में था, जब दो ओवर ख़त्म हुए थे ना स्टार्टिंग से भाई, चार विकेट जो धड़ाधड़ गिरी है। ओके इजी सिंगल के साथ विराट कोहली के पास स्ट्राइक, और हाफ सेंचुरी को चाहिए 3 रन्स, बट विन के लिए चाहिए 4 रन्स, और आई होप कि मैं 6 मार के फिनिश करूं लाइक MSD स्टाइल, आउट ना हो जाऊं बस। ओ यार बॉल टर्न क्यों हो रही, इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। 77 रन्स की पार्टनरशिप, यार ये फुल स्लीव जर्सी काफ़ी अच्छी लग रही ना, थोड़ा सा रूम बना के खेलते हैं भाई। इतना अच्छा ओवर डाल रहा है, इसको तुम लोग पहले ला सकते थे, कितनी बड़ी गलती करी इन्होंने पता। ओके 4 रन्स, यस 4 रन्स के साथ यहाँ पे हमने मुकाबला भी जीता है, रिवेंज भी लिया है, किंग की 50 भी करी है, और इसी के साथ दी मैच एंडेड मैन, क्रेजी। मेरे को देखना मैन ऑफ द मैच किसको मिलेगा, क्योंकि विकेट्स भी काफ़ी अच्छे खासे थे, ऑल आउट करा ना भाई अपन ने, और 50 हुई है दो। ओके मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को मिलेगा, शायद कम बॉल्स खेल के रन्स मारे हैं इसलिए। ओके बढ़िया है। ओके सो पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालते हैं, +5 का रन रेट हो चुका है अपना, 5 में से 5 जीते हैं एंड 21st पोजीशन पे इंडिया, पाकिस्तान है 4th पोजीशन पे, न्यूजीलैंड 5th पे, क्योंकि अभी जस्ट हराया हमने एंड रन रेट तो बहुत ज़्यादा गिर गया होगा प्लस में थी पता है पहले ये। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही, आई होप से तुम लोग को ये वाली गेम प्ले वीडियो भी ज़रूर से अच्छी लगी होगी, कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन में, एंड लाइक एम जो हमने रखा है वो पूरा करवा देना, और हाँ जो लोग नए हो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ तुम लोग से बहुत जल्द एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।